कदम दुबई 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 ओ माय गॉड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पैर रख दिया है हमने। सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है वीज़ा क्या होता है। ओके सो हेलो गाइस वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज अक्षत एंड यू वाचिंग हैप्पी लाइफ। आज जाने वाले हैं भाई, फाइनली दुबई जा रहे हैं। तो कैसे पहुँचना है, क्या करना है, सारी प्रोसीजर आपको बताऊँगा मैं। और ये देख सकते हो दो बैग मैंने ले लिए अपने, और ये कोई सोलो ट्रिप नहीं होने वाली है, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जाने वाला हूँ। तो एक ग्रुप है हमारा पूरा। तो यहाँ से पुणे से पहले मुंबई जाना है, मुंबई से हमारी फ्लाइट है शारजा के लिए, एक्चुअली फ्लाइट है शारजा से, फिर हम दुबई जाएंगे, होटल में चेक इन करेंगे। क्या होता है पूरा प्रोसीजर, दुबई कैसे पहुँचते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना भी। चलो भाई, तो बाइक को पार्किंग में लगा दिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता। इन वीडियो में थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं पता चल पाएगी आपको, क्योंकि उसे शो नहीं होती है, बट डेफिनेटली मम्मी का भी फ़ोन आ गया है। तो मुंबई निकलते हैं, कॉलेज में हम लोग सब गैदर होने वाले हैं, कॉलेज से फिर हम निकलने वाले हैं मुंबई, मुंबई से है शारजा की फ़्लाइट, शारजा से दुबई। ओके देखो, और चीज़ आप सबको बतानी है, बहुत सारे लोगों आपको नहीं पता होगा वीज़ा क्या होता है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बाकी ट्रैवल व्लॉग्स में नहीं बताते होंगे। मैं आपको एक एक चीज़ कवर करूँगा जो आपका बेसिक नॉलेज है इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या क्या लगता है, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, पूरा देखना, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो चलते हैं कॉलेज, बस पकड़ते हैं और मुंबई चलते हैं। तो भाई अभी आ चुके हैं अपने कॉलेज, और ये पीछे बस है, बच्चे चढ़ रहे हैं इसमें, तो चलते हैं भाई, काफ़ी सारे बच्चे हैं अपने साथ, एंड लेट्स गो। ओके भाई, तो अपन पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे, क्या बोलते हैं, लोनावला के थोड़ा आगे स्टॉप लिया है। और ये एक चीज़ बता दूं आपको, ये हमारी कॉलेज ट्रिप है, तो घूमने फिरने खाने पीने यार सारा ब्लॉग रहेगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसा क्या सीन है। एंड बाय द वे, कॉलेज वालों ने मुझसे सिर्फ 18,000 रुपये लिए हैं, उसमें रहना खाना फ्लाइट्स वीज़ा सब कुछ इंक्लूडेड है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये प्रोजेक्ट है ये, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो बढ़िया है, आगे जैसा भी रहेगा कंटिन्यू करता हूँ, अभी तो ये मीन इन्जॉय करते हैं, आगे चल के मैं मुंबई में कंटिन्यू करता हूँ। तो ये अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, खाना वाना खाएंगे सारे बच्चे, और कॉलेज ट्रिप है तो भाई थोड़ा सब साथ में अपने वाले ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी मैं मैकडी से कुछ लेके यहाँ से निकलते हैं, और अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो है रात को करीब 11 बजे, तो मुंबई पहुँचने और फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। अरे इसको तो पहचान लिया हो गया यार, कितने सारे वीडियोस में देखा है इसको, श्लोक नवले अपने बाइक वाली वीडियोस में, ये भी जा रहा है अपने साथ। गाइस तो अभी पहुंच चुका हूं मैं फाइनली मुंबई एयरपोर्ट, यहां से वीज़ा वगैरह हमारा सब कुछ ऑलरेडी कॉलेज वालों ने करवा दिया था, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर चल के दूंगा। अभी यहां पे देख सकते हो श्लोक नवले, हमारे हर बाइक के वीडियोस में देखा होगा इसमें किसको आपने, तो अभी अंदर चलते हैं। और भाई अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है हमारा, ये नहीं कि छोटा सा है, काफ़ी सारी बच्चे आए हुए हैं जो भी है, फैकल्टी वगैरह सब आई हमारे साथ। तो गेट नंबर 7 में जाते हैं, और वहाँ से पूरा मैं पहले पूरा वो कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ कैसे करना है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो उसके बाद आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। और इस बार मैंने कोई पिट्टू बैग नहीं लाया भाई, इस बार ये वाला बैग लाया है, तो ये बहुत कन्वीनियंट लग रहा है यार मेरे को, नाइस। दिस इज़ मुंबई एयरपोर्ट। सो फाइनली भाई पासपोर्ट में फर्स्ट टाइम हमारा पासपोर्ट यूज़ में आ रहा है, 2006 से बना हुआ है, अभी यूज़ में आ रहा है, और सब कुछ हो चुका है, बैगेज ड्रॉप हो गया है, बहुत ईजी प्रोसेस था, वीज़ा वगैरह सब अप्रूव हो गया। अब सीधा जा रहे हैं बैग कहाँ करने, बोर्ड करने के लिए, गेट नंबर आई डोंट नो कौन सा है इसमें, तो चलते हैं वहाँ पे, और जैसा भी होगा कंटिन्यू करूँगा, किसी एक जगह बैठता हूँ फिर आपको बताता हूँ वीज़ा वगैरह कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। सो एक जगह चलते हैं पहले कहीं पर, मेरे दोस्त आ रहे हैं। सो राइट हियर इट इज़ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, मैंने दिरहम ऑलरेडी ले लिया है, आपको दिरहम दिखाता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ होता है, दिरहम जो अपने यूएई की करेंसी है वो है दिरहम, अपने इंडिया में जैसे INR यूज़ होता है इंडियन, वैसे वहाँ पे चलता है दिरहम, तो दिरहम मैंने ले लिया है। और एक जो सबसे बड़ी आप लोग को मैं एडवाइस देना चाहूँगा वो ये कि कभी भी एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज मत कराओ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी आपको, कभी भी एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी है, ठीक है। अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है तो अपनी सिटी में ही कहीं गूगल मैप वगैरह में या गूगल में सर्च करूँ कि कौन करेंसी एक्सचेंज करता है। यहाँ पे रेट मैंने जिस रेट से करेंसी एक्सचेंज कराई वो है 21.30 और यहाँ पे 23 की हो रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो कभी भी एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी है, हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का। नाइस, तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यहाँ पे आपको सारे कस्टम्स वगैरह की जो महंगी महंगी दारू वगैरह यहाँ पे सब मिल सकती है, तो क्वाइट नाइस। अभी हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया है, अब बताता हूँ आपको सारी चीज़ें कि एग्जैक्टली कैसे सब कुछ होता है। तो ये ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पे बहुत महंगी महंगी दारू आपको सारे इंटरनेशनल इम्पोर्टेड आइटम्स मिलेंगे जो कि ड्यूटी फ्री रहते हैं, जिनमें पैसे नहीं लगते एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे।
भाई एयरपोर्ट वगैरह में आते हो तो मैकडी में खाना वगैरह खा सकते हो या फिर KFC या फिर डोमिनोज, क्योंकि यहाँ के रेट्स नॉर्मली रहते हैं। अगर आप नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाओगे रोटी सब्जी वगैरह खाने तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। एक और एडवाइस आपको देना चाहूँगा तो ये थी, मैकडी वगैरह मतलब नॉर्मल रेट्स रहते हैं, आपको 300 रुपए में 3-4 बर्गर और क्या बोलते हैं एक कोक मिल जाएगी। सो नाइस। ओके गाइस, तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक जगह बैठ गया हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है वीज़ा क्या होता है। वीज़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको दूसरी कंट्री में जाने का परमिशन देता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ आपको 14 दिन का परमिशन देती हैं, कुछ कंट्रीज़ आपको 30 दिन का देती हैं, कुछ 2-3-6 महीने का देती हैं, ठीक है। बात करूँ मैं UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उसकी 3 मेजर सिटीज़ हैं। फर्स्ट है शारजा, जहाँ पे अभी हम लोग की फ़्लाइट लैंड करेगी, सेकंड है दुबई और तीसरी है अबू धाबी, ठीक है। तो आप एक UAE को समझ लो एक कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री हो गई और उसके अंदर 3 मेजर सिटीज़ आती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा हम पॉपुलर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दुबई। तो दुबई कोई कंट्री नहीं है, दुबई एक सिटी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन इज़ बेसिकली आपको उस कंट्री में जब आप जाते हो, जाने के लिए आप अप्लाई करते हो, तो एक इमिग्रेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको, हाँ भाई आ रहा हूँ एक सेकंड में, तो इमिग्रेशन एक प्रोसेस होता है। बेसिकली आप स्कूल में वाइवा देते हो ना, जैसे वहाँ यहाँ पे एयरपोर्ट में एक ऑफिसर बैठे रहेंगे, एक ऑफिसर बैठे रहेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप दुबई क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका जाने का, कब वापस आओगे, डिपेंड्स कि वो किस टाइप के, कितने इंटेंसिटी से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एकदम जेन्युइन रहो, अपने क्वेश्चन दो और आपके पासपोर्ट पे वो थप्पा लगा के आपको अप्रूव कर देंगे, ये सारी चीज़ें। अभी दुबई जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस और लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ये ले लिया है। दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ के मेडिकेशंस में। दुबई बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है। अब यकीन मानो, मैंने 11,000 रुपये दिए, मेरे को 500 दिरहम मिले हैं, तो अपनी जो इंडियन करेंसी है काफ़ी ज़्यादा उससे लोअर ग्रेड है। तो मैंने आपको वीज़ा बता दिया, मैंने आपको इमिग्रेशन बता दिया, मैंने और ये सारी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है ये आपको कोई भी एजेंट बता देगा, किसी भी www.makemytrip में देख सकते हो, www.goibibo में देख सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है। ओके सर, फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप की साइट मैंने अभी खोल के रखी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखोगे तो इस साइड में आपको वीज़ा का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप वीज़ा पे क्लिक करोगे आपको कंट्री पूछेगा, यहाँ पे आप अपनी कंट्री डाल दो, जैसे मैंने UAE डाला है, कब से कब तक आपको जाना है आप डेट सेलेक्ट कर लो, ट्रैवलर सेलेक्ट कर लो और सर्च करो। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस आ रहा है फॉर वन ट्रैवलर, ठीक है, और यहाँ पे कितने दिन का वीज़ा देता है हम लोग को UAE, तो वह 30 डेज़ का। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पासपोर्ट का फ्रंट बैक एंड फोटोग्राफ वगैरह आपको यहाँ देनी पड़ेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए और आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा कुछ दिनों में। वीज़ा की जो प्रोसेसिंग दी हुई है यहाँ पे 7-9 वर्किंग डेज दी है, जो कि उससे 2-3 दिन में हो जाता है वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या कोई एजेंट से करना है तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आने जाने की फ़्लाइट्स आपको पहले से करवा लेनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इमिग्रेशन में या कहीं पर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगा आपको बता दूँ, हमारा वहाँ पे चालू हो चुका है। बाय द वे एक चीज़ बताऊँ, मैंने मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सारे के सारे प्रिंटआउट्स निकलवाए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी चीज़, मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता था कुछ भी सॉफ्ट कॉपी रहे तो प्रॉब्लम आए। बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग के लिए आपको बताऊँगा मैं आईफोन लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेने वाला हूँ मैं, तो दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता मिलता है। तो चलेंगे, अभी हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा बोर्डिंग चालू हो चुका है। सो या, बहुत देर से मैंने बोल दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या। और एक चीज़ बोलूँगा, पासपोर्ट अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री जा रहे हो, पासपोर्ट आपको अपनी मतलब सीरियसली बोलूँगा ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, ये आपकी ना लाइफ लाइन है बेसिकली, समझ रहे हो। पासपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो आप इंटरनेशनल कहीं पे भी मतलब भाई फंस जाओगे बहुत बुरा, इंडियन एम्बेसी के चक्कर, ये दुनिया भर के एम्बेसीज के चक्कर काटते रह जाओगे। कभी भी अपना जो पासपोर्ट है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, कभी भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, पासपोर्ट आपकी ज़िंदगी है बेसिकली, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ जा रहे गाइस, अपन श्लोक पता चल कहाँ जा रहे हैं, दुबई शारजा। हेलो गाइस, इमिग्रेशन नहीं चल रहा है अबे भाई, शारजा जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं, शारजा लैंड होते ही फिर से उड़ेंगे इंडिया आ जाएंगे। भाई फाइनली दुबई की कदम, दुबई, ओ माय गॉड, और रख दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, पैर रख दिया है हमने, नाइस, फील्स गुड।
सही दुबई एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, सॉरी शारजा एयरपोर्ट के अंदर। दुबई एयरपोर्ट तो बड़ा होता, दिस इज़ शारजा एयरपोर्ट, क्वाइट नाइस। ये स्मार्ट गेट्स हैं, यहाँ पे अपना पासपोर्ट यहाँ पे दिखाना है और आगे जाना है। तो यूएई में आके भी हमारा इमिग्रेशन हो गया है, ये देख सकते हो स्टैंप लगा दिया है यहाँ पे, बढ़िया सा, नाइस यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अपने पासपोर्ट फाइनली काम में आ गया है भाई, फाइनली यूएई की लैंड पे हम लैंड कर चुके हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग है, सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस। अब बैग क्लेम करते हैं, बैग मतलब बैगेज लेते हैं हमारा और उसके बाद आगे चलते हैं। तो लगेज हैज़ बीन अराइव्ड एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग को बेल्ट से कलेक्ट नहीं करने वाला, ऑलरेडी यहाँ पे रखा रखा है, मिल गया क्योंकि मेरे इमिग्रेशन में टाइम लग गया, तो बेल्ट ऑलरेडी आ गए यहाँ पे। अब चलते हैं एग्जिट, आ जाओ भाई चेन्नई पारवेकर दूर से हाथ दिखा रहे, क्या चाहिए तुम, क्यों परेशान है? सो दिस इज हाउ इट लुक्स आउटसाइड शारजा एयरपोर्ट, लग नहीं रहा यार सब अपने जैसे दिखते हैं। तो यार अभी शारजा में, यहाँ से दुबई 30 किलोमीटर है, हम लोग बस से जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स लोग बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पे किसी हॉर्न का भी साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को बोल रहा हूँ कि सिक्किम या मणिपुर जाओ, वहाँ भी सेम सीन है। तो मतलब अपने देश का ऐसा कम नहीं समझो भाई, अपना इंडिया भी बहुत अच्छा है, ये दुबई वगैरह आई नो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बट अपना देश भी बहुत अच्छा है। तो भैया दुबई तो गाड़ियाँ देख के परेशान हो जाओगे यार, एक से एक गाड़ियाँ इतनी सारी, GMC, लेक्सस, लैंसर, पता नहीं क्या क्या। और ये अपनी बस, इससे जाने वाले हैं अपने होटल, तो बढ़िया है, चलते हैं अभी होटल। तो शारजा से दुबई जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉस्क रास्ते में मिलेंगे, और जो शारजा से दुबई की दूरी है वो है 30 किलोमीटर, आपको जाने में आधे घंटे से 45 मिनट लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। रोड्स पूरी दुनिया में भाई दुबई की फेमस है, रोड्स आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, और कार्स, अगर उन रोड्स पर जो कार्स चलती है वो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे अगर आप जाओगे दुबई। तो ये हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, और होटल का नाम है दी फॉर्चून पर्ल, काफ़ी अच्छा होटल था, 3-स्टार होटल है, तो कॉलेज की तरफ से काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स थी, सो इट वाज रियली गुड। थोड़ा सा ना आपको जलवा दिखा देंगे, आज हम थक गए थोड़े, सच में यार बहुत ज़्यादा भी टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 पर इंडियन टाइम इट इज 4:45 इन द मॉर्निंग। अपना रूम किधर है? दुबई एज पर दुबई टाइम इट इज 2:14 अबे उधर है, चलो भाई 214 अपना रूम देखे कैसा है, एटलीस्ट रूम तो अच्छा होना चाहिए, सीरियसली मैं 214 इस साइड है ना, ये है सामने, चलो श्लोक डू द इनबॉक्सिंग। इधर है, कम ऑन गाइस, ओके फेयर इनफ, 3 सेपरेट बेड्स हैं, फेयर इनफ, लास्ट वाला मेरा ले लेता हूँ मैं, तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे, दुबई पहुंचने का तक का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे Day 1 जो कि हमारा रहता है जैसा नॉर्मल, और सबसे पहले हम लोग को ये कॉलेज वाले दुबई एक्सपो ले जाएंगे, तो दुबई एक्सपो जाएंगे, और कुछ रहेगा तो देखेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे डेफिनेटली। और सिम वगैरह का क्या सीन है श्लोक? सिम का देखेंगे कैसा है, यहाँ पे दो एक आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं, एक वर्जिन और एक DU नहीं है, मल्टीपल है, DU और वर्जिन मुझे पता है, वो एयरपोर्ट में थे काफी सारे, वो आपको मतलब मैं तो बोलूंगा कि अगर अपना नॉर्मल इंडियन सिम है आपके पास तो आप ISD वाला रिचार्ज करवा सकते हो, ISD वाला, उसमें आपका चल जाएगा, और महंगा है बहुत यार, हाँ महंगा तो है यार, देखो वर्जिन का जाता है 1200 तक और DU का जाता है 1400 के आसपास, तो वो चीज ध्यान में रखो, सबसे मिनिमम पैक है स्टार्टिंग, एग्जैक्टली सबसे मिनिमम आपको 1000-1200 दैट इज वैलिड फॉर 28 डेज। तो बस यही है भाई, सिम वगैरह देखेंगे अगर मिलूंगा तो बताऊंगा। सो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, जय हिंद जय भारत।